हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम लोग एक बायोडायवर्सिटी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अभी हमने किंगडम एनिमेलिया को हम पढ़ रहे हैं और उसमें फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने अभी तक जो है पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट को पढ़ लिया है। इसमें एक और छोटा सा फाइलम है जिसमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जस्ट उसको कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको जाननी हैं। ये बहुत छोटा सा फाइलम है। छोटा सा का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कम होना, उसको छोटा बोलते हैं। देखिए, फाइलम हेमीकॉर्डेटा, देखिए अब आप जैसे बहुत सारी दूसरे बुक पढ़ते हैं ना, वो सब चीज आती होती नहीं है। आप दिमाग पे भी मतलब बर्डन बढ़ाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं और बहुत प्रिसाइज पढ़ रहे हैं, तब भी नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत सारे हो गए है ना, जबकि मैं बहुत इन्हें प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत कम जो है बहुत कम का मतलब बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। इधर उधर की चीज़ें कोई काम नहीं आती। कुछ बातें जान लीजिए। हेमीकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा का एक सब फाइलम माना जाता था, बट आज अलग कर दिया गया। अब अलग कर दिया गया तो उस सारे फैक्ट और फिगर को आप छोड़ देंगे। एक्चुअल में अगर ऐसा होता तो आपको एक सेपरेट फाइलम नहीं बोला जाता। तो आज ये एक सेपरेट फाइलम है, इसका कॉर्डेटा से कुछ लेना देना नहीं। कॉर्डेटा के सारे मेंबर में नाटोकॉर्ड होते हैं लाइफ के किसी न किसी स्टेज में, तो यहाँ पे नाटोकॉर्ड नहीं होता है। कुछ एक कहेंगे कि इसकी बकल कैविटी में होता है, ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ही बना देता हूँ। देखिए ये जो इसकी बॉडी है इसमें सेगमेंटेशन है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, ठीक है। ट्रंक इस पूरे के लिए है, यहाँ से लेके पूरे के लिए अप टू टेल। अब इसमें क्या है कि ये इसके गिल्स हैं। गिल्स को कहीं कहीं ब्रैकियल लिखा होगा, एक ही बात होती है, ब्रैकियम का मतलब गिल्स ही होता है, ठीक है। ये गिल्स हैं, इसका मतलब ये एक्वेटिक फॉर्म में रहने के लिए वो रिस्पांसिबल है। यहाँ इसके अंदर कहीं इसका माउथ होता है, इस प्रोबोसिस के अंदर, जो बाहर से आपको नहीं दिखता है। और यहाँ एनस होती है, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो जैसे आपको देखिए, जैसे हम कोई भी फाइलम अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ये प्रोबोसिस में एक प्रोबोसिस ग्लैंड का काम करता है और ये इसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे देखिए पहले जनरल चीजें थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। जैसे हम जनरल चीजों में कि इनका जो हैबिटेट है ये बेसिकली मरीन फार्म में है, एक्सक्लूसिव मरीन है, कोई भी फ्रेश वाटर फार्म नहीं है, ठीक है, कोई भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं है। ये वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होते हैं। ट्रंक में इस तरीके से गिल्स लगे होते हैं। माउथ जो है प्रोबोसिस के अंदर होता है, दूसरे एंड पे एनस होती है। प्रोबोसिस में एक ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीशन का भी काम करती है और गिल्स यहाँ रेस्पिरेशन का काम करेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं जस्ट आपको बताते जा रहा हूँ जो इसमें रहेंगी। जैसे देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे ही क्योंकि उसके हिसाब से तीन जर्म लेयर, ठीक है, सीलोम, ट्रू सीलोम होता है, ठीक है,
बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ये सब चीज़ें तो पहले से होंगी, मतलब ये पहले से रिपीट हो रही हैं, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही बता दे रहा हूँ। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये देखिए माउथ है और ये एनस है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ है, बस वो देख लेता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, जो आपको याद रखना है, देखिए ये कैरेक्टर थोड़ा डिजनरेट हो गया है। इस लेवल पे आके जब एनिलिडा में ही सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का था, तो यहाँ पे जैसे डिजनरेट वर्ड तभी हम यूज करते हैं ना, कि जैसे इससे पहले वाला जो है, इससे पहले वाला कोई एडवांस कैरेक्टर रख रहा हो और बाद वाला जो है कम। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं ना, अगर छोटे भाई ने आपसे बेहतर कर दिया है, वो अगर नीट का एग्जाम निकाल दिया है और आप नहीं निकाल पाएंगे, तो आप डीजनरेट बिहेवियर को शो कर रहे हैं, आपको निकालना चाहिए, ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको निकालना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एनिलिडा इससे पहले आता है, क्लोज टाइप का रिलेशन सर्कुलेशन, उसके बाद के जिन लोगों ने ओपन टाइप दिखाया है, तो सबको हम डीजनरेट बोलते हैं, बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एडवांसमेंट था वो रुक गया, इसलिए यहाँ पे ये फीचर इसका जो है डीजनरेट है, और ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझे इस बात को। अब देखिए रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, ये जो गिल्स है, इस रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स का मतलब होता है एक्वेटिक होना। एस्क्रेटरी ऑर्गन प्रोबेसरी ग्लैंड सेक्सेज आर सेपरेट, ये एडवांस कैरेक्टर है, एनिमल में सेक्सेज सेपरेट होना। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इन्फीरियर कैरेक्टर है, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पे लार्वल स्टेज होगी। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, बेलेनोग्लॉसस एंड सैक्लोग्लॉसस, क्योंकि इसके एग्जाम्पल को जो आगे कॉर्डेटा के सब फाइलम है उनके साथ आपको कंफ्यूज किया जाएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे। तो जस्ट इतनी सी बातें थे इस छोटे से फाइलम हेमिकॉर्डेटा में। अब हम एक नए फाइलम को देखेंगे, और इस फाइलम का इम्पोर्टेंस ये है ना फ्रेंड्स, कि इससे एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन आना ही आना हर साल, तो आपको इस पे खास जो है ध्यान देना है। इसमें इतनी चीज़ें इसे मैं हटा रहा हूँ। तो अब हम जो फाइलम पढ़ेंगे वो कॉर्डेटा प्रॉपर को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ इससे पहले इसका थोड़ा सा हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तब इसके बारे में चलेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए फाइलम कॉर्डेटा, ये एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस हैं। इनके लाइफ में कभी न कभी नाटोकॉर्ड होती है। जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें पहले से रहेंगी, जैसे ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, ये यू सिलोमेट्स हैं, इनमें भी सिलोम है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ये सारी चीज़ें पहले से है और अंडरस्टूड है। ठीक है, ये चीज़ें हैं सारे एनिमल में है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पहले से है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप पहले से उसमें ऐड कर लीजिए, वो हैं ही हैं। अब उससे आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी खास है जो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, कि एक कॉर्डेट को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉर्डेटा है कौन। तो यहाँ पे एक टेबल मैं बना रहा हूँ, कि देखिए एक जो कॉर्डेट होता है और एक नॉन कॉर्डेट होता है, ये टेबल आपको दी गई है। एक्चुअल में इस टेबल से क्वेश्चन होते हैं, तो देखिए इसमें क्या फ़र्क है। कॉर्डेट में सबसे पहली चीज होती है डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड, ठीक है, इसका जो नर्वस सिस्टम है ये डॉर्सल होता है, हालो होता है। सेकंड है यहाँ पे फेरेंजियल गिल्स स्लिट, थर्ड है यहाँ पे नॉटोकॉर्ड, फोर्थ है यहाँ पे पोस्ट
एनल टेल, ठीक है, पोस्ट एनल टेल। और एक चीज और है, चलिए ये भी रख लेते हैं, एक और हार्ट इज वेंट्रल, अभी मैं इनको समझा रहा हूं, ये पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके अपोजिट यहाँ पे जो नॉन कार्डेट होते हैं, मतलब जितने भी आपको नॉन कार्डेट पोरीफेरा से लेके हेमी कार्डेटा तक, उनमें क्या होता है, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, सॉलिड नर्व कॉर्ड। यहाँ पे ये डॉर्सल ये सिंगल होता है, एक ही होता है, यहाँ ये पेयर्ड होते हैं, एक से ज्यादा नंबर में होते हैं। सेकंड जो फेरिंजियल गिल स्लिट है, तो यहाँ पे सिर्फ गिल्स होते हैं, गिल्स स्लिट नहीं होते और फेरिंजियल नहीं होते हैं। थर्ड देखिए जो नाटोकॉर्ड है, ये एब्सेंट होता है, किसी भी नॉन कॉर्डेट में नाटोकॉर्ड नहीं होता है। पोस्ट एनल टेल नहीं होती है, ये भी एब्सेंट होती है, वहाँ पे टेल नाम की चीज़ नहीं होती है, एनस लास्ट जो है सेगमेंट का पार्ट होता है। और जो हर्ट होता है, यहाँ पे जो हर्ट होता है, ये हर्ट डॉर्सल इनपोजिशन होता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट फिगर है जो आपकी बुक में है, ऐसे मैं सोच रहा था आपको बुक को ही रेफर कर दूं, लेकिन फिर वीडियो बना रहा था तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब इसको थोड़ा हम देखेंगे डायग्रामेटिकली। देखिए जब इसके बेसिस पे हम यहाँ एक ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म कोई है नहीं, ये मतलब एक इमेजिनरी ही है, टिपिकल है इसका। एक जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा देखिए दिखता है, ये एक टिपिकल जो है, एक टिपिकल कॉर्डेट का डायग्राम है। देखिए इसको बोला जाता है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ये इसकी एनस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये इसका माउथ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये इसमें कई सारे फेरिंग्स में इस तरीके से फेरिंजियल गिल्स हैं, ये इसका नाटोकॉर्ड है, ये इसका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये इसका हेड का पोर्शन है, ये इसका टेल का पोर्शन है, ठीक है। अगर इसमें हार्ट होता तो फोर चैम्बर हार्ट इस तरीके से होता वेंट्रल पोजीशन में। अब मैं आपको एक नॉन कॉर्डेट का डायग्राम दिखा रहा हूँ,
ये देखिए इसका माउथ है, ये नॉन कॉर्डेट है, ये इसकी एनस है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम किसे दिखाया, रेड से, ये इसका नर्वस सिस्टम है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है। और ये इसके हार्ट हैं जो डार्सल पोजीशन में हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक टिपिकल जो है नॉन कॉर्डेट का डायग्राम है, ये एक कॉर्डेट का है। इसमें देखिए ये जो है, ये जो आपका है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। जैसे हमारे भी बॉडी में ये डार्सल पोजीशन में, ये ऊपर जो है इसका डार्सल है, नीचे इसका वेंट्रल है, जगह नहीं बची मुझे लिखने का, ऊपर डार्सल है नीचे इसका वेंट्रल है, ठीक है। तो देखिए डार्सल पोजीशन पे ये रेड कलर से मैंने इसका नर्वस सिस्टम दिखाया है, जो हॉलो है, इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है। उसके नीचे ये जो है मीजोडर्मल वर्जिन का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम नर्व कार्ड बोलते हैं। ये लाइफ के किसी न किसी स्टेज में होगा जरूर, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि नहीं हो। फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फेरिंग्स है। फेरिंग्स होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो सॉलिड लिक्विड चीज़ों को इंगल्फ कर पाएगा। इस फेरिंग्स में इस तरीके से परफोरेटेड गिल्स होते हैं, जिसको फेरेंजियल गिल्स बोलते हैं। बाद में ये फेरिंग्स में ही अटैच होना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में यही फेरिंग्स के गिल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में, ठीक है, क्योंकि लंग्स भी हमारा यहाँ फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फेरिंग्स में होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे गिल्स है भी तो वो गिल्स इस तरीके से बॉडी से ऐसे बाहर निकले हुए गिल्स हो सकते हैं, ठीक है। या किसी किसी में आपने देखा होगा इस तरीके से पूंछ पे गिल्स होंगे, किसी दूसरे पोजीशन पे होंगे, वो फेरिंग्स में अटैच नहीं होंगे। दूसरी चीज़ देखिए, ये एनस है, ये माउथ है, एनस के बाद यहाँ टेल होती है। आप किसी भी एनिमल में देखिए जो उसकी टेल है, घोड़े में, हाथी में, इस तरीके से या कोई छोटा कुत्ते में ही देखिए, उसकी एनस के बाद उसके बॉडी में एक और एक्सटेंशन होता है, जिसे हम टेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल, ये भी एक ज़रूरी फीचर है। तो देखिए डार्सल हालो नर्व कार्ड, नर्वस सिस्टम जो सिंगल होगा, फेरेंजियल गिल सिल्ट होगा, ये नाटोकार्ड होगा, पोस्ट एनल टेल होगा, और हार्ट जो है इस वेंट्रल पोजीशन में होता है। यहाँ पे हार्ट एक से ज़्यादा होते हैं और डार्सल पोजीशन पे होते हैं। नर्व कार्ड इसलिए इस तरीके से गैंग्लिया से बना होता है। गैंग्लिया मैंने आपको बताया था, गैंग्लिनेटेड नर्व कार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं और वेंट्रल होते हैं। ज़्यादातर जो नॉन कॉर्डेट है ना, वो जब ज़मीन पे ऐसे चल रहे होते हैं तो ज़मीन से उनको जो है जो सेंसरी स्टिमुलस मिलते हैं उसको रिएक्ट करने के लिए होते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम हेड में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो हेड का वेल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नॉन कॉर्डेट में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसे आगे चलते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। देखिए जो इसका क्लासिफिकेशन है उस पे चलते हैं, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। देखिए आपकी बुक के हिसाब से है ना, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ नाटोकार्ड, मतलब डेफिनेशन में जो मैंने अभी टेबल में बनाया था, नाटोकार्ड होना, डार्सल हालो नर्व कार्ड होना, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट होना, और ये आपकी बुक में देखिए डायग्राम है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो बताया था वो तो होगा ही। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक और चीज़ देखिए भूल रहा था मुझे, ठीक है। आगे देखिए अगला चीज़ जो इसमें हमें पढ़ना है, वो एक चीज़ देखना है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे वो क्या है, जैसे अभी तक हम फाइलम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा को इस तरीके से, फाइलम कॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है,
ये फाइलम से नीचे की कैटेगरी है सब फाइलम, ठीक है। ये सब फाइलम क्या है, एक तो है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा या इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा, अभी बताएंगे इसका डिटेल। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। इस वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में है एग्नेथा, इसमें एक ग्रुप है साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे है नेथोस्टोमेटा, ठीक है। मैं अभी इसे कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है नेथोस्टोमेटा है और नेथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में, नेथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लास लेवल पे आ गया, फाइलम के बाद क्लास होते हैं ना, इनको सेक्शन बोला जाता है। आप चाहे नोट करो चाहे मत नोट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको जो डिवाइड किया गया है, ये सुपर क्लास, ये सब कैटेगरी हैं फाइलम के बाद, जैसे सब फाइलम, सुपर क्लास, इंफ्रा क्लास, ऐसे आपके सिलेबस में कहीं है नहीं, बस यहीं पे आपको चाहिए इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप है पाइसेज, ठीक है, और पाइसेज में आपको दो टाइप की पाइसेज बताई गई हैं। एक है कंड्राइक्थीज और दूसरी है अस्टाइक्थीज, ठीक है। वन मिनट, कंड्राइक्थीज, कंड्राइक्थीज